बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में इस दौरान 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा पाएंगे। 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और क्लब को संचालित किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे के अंदर 6209 केस सामने आए। अकेले जयपुर के अंदर 1325 केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और बीते अगर 14 दिन की बात की जाए तो 1355 से आंकड़े बढ़ते बढ़ते 24 घंटे में 6000 को पार कर चले हैं। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी, कोरोना की गाइडलाइन की पालना करना बेहद जरूरी, मुंह पर मास्क लगाना बेहद जरूरी, क्योंकि अगर हम कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि ये जो सख्ती धीरे धीरे की जा रही है इस पर और सख्ती दिखाई दे सकती है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सरकार धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर अभी भी नहीं मानोगे तो घरों में कैद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार ने संकेत यही दिया है अंदर, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा सख्ती लगा दी है। अगर इस सख्ती के बाद भी लोग बाहर नहीं आएंगे तो फिर सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन से लोगों का रोजगार जाता है, बहुत दिक्कत होती है लोगों को, तो उन्होंने एक बार फिर यही अपील की है कि जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है लोग उसका पालन करें। शाम 6 बजे अपने घरों में चले जाएं, नाइट कर्फ्यू का पालन करें। शादी समारोह में जो लिमिट है वो 50 लोगों की गई है। कोशिश यही है सरकार की लोगों को समझाने की कि हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोग एक्ट करें और लॉकडाउन की तरह जल्दी लोग घरों में जाएं, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसकी पालना करें। मुख्यमंत्री की चिंता लगातार है, क्योंकि आज भी जयपुर में बहुत बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिले हैं। शिवेंद्र, ये माना जाए कि 17 अप्रैल को चुनाव के बाद कुछ और सख्ती दिखाई दे सकती है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, रमजान चल रहा है, लगातार धर्म गुरुओं से बातचीत हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, अलग अलग संगठनों से बातचीत हो रही है। अगर एक सप्ताह में फिर से हालात नहीं सुधरे तो और सख्ती? देखिए, बहुत संभव है विजेंद्र, क्योंकि आज जो अपर मीटिंग सीएम की हुई थी उसमें जितनी भी एनजीओ और धार्मिक संगठनों के लोग शामिल हुए थे, सभी ने सीएम को कहा था कि जो भी सरकार उनको निर्देश देगी उनका वो पालन करेंगे। सरकार को भी जरूरी है कि इस समय सख्ती करे, क्योंकि बिना सख्ती के लोग बाहर नहीं आ रहे, मान नहीं रहे, अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में भीड़ हो रही है। हो सकता है कि जब उपचुनाव 17 तारीख को संपन्न हो जाए तो उसके बाद कुछ और सख्ती हमको प्रदेश में देखने को मिले। जी बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे